ग्राम बालकुआ गांव में हो रही धड़ल्ले से शराब बिक्री को रोकने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच तहसीलदार आशा परमार को ज्ञापन सौंप बताया। गांव के लोग शराब के लिए बेच रहे घर का सामान और राशन। दरअसल बड़वानी के समीप बलकुआ और घट्टा बेड़ी में शराब दुकानों से कच्ची शराब अंग्रेजी शराब बेची जा रही है, जिससे गाँव का माहौल बिगड़ रहा है। लोग शराब के आदि होकर शराब के लिए घर का सामान और हर माह मिलने वाला राशन बेचकर शराब पी रहे हैं, जिससे घर में कलह और बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। वही बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शराबबंदी को लेकर तहसीलदार आशा परमार को ज्ञापन सौंपा कि शराब बेचने वालों पर जल्द कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। बालकुआ कलेक्टर कार्यालय कहाँ के लिए आए? दारू बंद कराने। कितने लोग गांव में शराब बेच रहे हैं? सर वो लिखवा दिया, अभी इतने नाम तो हम फिर घूमते ही नहीं, हमारे गांव से ही काम धंधे करते रहते हैं, पर ये परेशान हो गए, अभी हादसे ज़्यादा हो गए तो इसलिए आए हम। क्या क्या परेशानी है? बस ये दारू की ज़्यादा है ना, सट्टा दारू और सट्टा। हाँ क्या मांग करते हैं आप? कोशिश करना ये बंद करवाना बिल्कुल, हमको बालकुआ में रहने नहीं देने। कच्ची और पक्की सब दोनों। क्या नुकसान हो रहा गाँव वालों का? घर में परेशानी है, कंट्रोल से गेहूँ लाते हैं, चक्की पर ले जाते हैं तो उधर ही बेच देते हैं, सब ऐसा उल्टा काम करते हैं, घर में कोई नहीं रहते तो धान ले जाते बेच देते। शराब के लिए वो कच्ची पक्की दोनों, ऐसा नहीं कि कच्ची बंद, पक्की भी बंद कराना। भगवती जी कहाँ से आया? बालकुआ से। क्या समस्या लेके आए कलेक्टर? ये हम दारू के कारण आए हैं कम बालकुआ से, कि हमारे गांव में शराब बहुत ज़्यादा बेचने वाले हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है इसके चलते? परेशानी तो बहुत है कि ये शराब पीने वाले घर में सब कुछ बेच देते, बहुत नुकसान हो रहा, बच्चे भी बिगड़ रहे हमारे। कितने लोग बेच रहे हैं गाँव में? गाँव में 4-5 लोग है, अनिल राठौड़ है, सुभाष राधेश्याम है, बाबू पिता मांगीलाल है, राजेश पिता कन्या है, शुभम पिता कालू बाला, पिता बुदिया, सुनील पिता भवरिया, कालू पिता राम सिंह, कैलाश बघेल, धर्म सिंह पिता सलिया, दिनेश मुनिया पिता खुम सिंह, इतने लोग बेच रहे शराब। क्या मांग करते हैं? हम शराब, हमारे गांव में शराब पूरी बंद होना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे भी बहुत परेशान है, भाइयाँ भी बहुत परेशान है, परिवार की स्थिति भी खराब हो रही है। परिवार की स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि अनाज भी पूरा बेच देते, कंट्रोल का धान भी पूरा भाई बचा बचा के रखते, वो भी बेच देते। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट। Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.